हेलो एवरीवन, ये मेरा चैनल का पहला जनरल नॉलेज है। ये जनवरी का करंट अफेयर्स है, सिर्फ झारखंड से रिलेटेड का। तो मैं इसी तरह का जनरल नॉलेज बनाता हूँ और बनाऊँगा। तो उसके लिए अगर अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेना, नोटिफिकेशन वाला ALL पे होगा लिखा हुआ, नोटिफिकेशन वाला घंटा में उसी में आप सभी दबा लेना, ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुँच जाए जब भी मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए आज का जनरल नॉलेज जनवरी का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, झारखंड संस्कृति एवं सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री किसे दिया गया है? तो आप सभी बताएं, ये चार ऑप्शन है, डॉक्टर मुखर्जी, कड़िया मुंडा, बुल्लू इमाम, भानु प्रताप। ये तीन तीन गलती से लिखा गया है, तो आप सभी मैनेज कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा बुल्लू इमाम, थर्ड वाला बुल्लू इमाम है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, झारखंड का वह कौन डॉक्टर है जिसे पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? तो देख सकते हैं चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये सभी जनवरी 2019 का करंट अफेयर्स है झारखंड का। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर एस के सिन्हा है, डॉक्टर के सिन्हा है, डॉक्टर एसपी मुखर्जी, डॉक्टर राजू। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डॉक्टर एसपी मुखर्जी। अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड का वह कौन नेता है जिसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, अमर बावरी, कड़िया मुंडा। तो आप सभी बता सकते हैं आंसर अगर आता हो तो। तो इसका आंसर हो जाएगा कड़िया मुंडा। अब चौथा में आते हैं, मंडल डैम झारखंड के कौन जिला में है? रांची, पलामू, लातेहार, बोकारो। तो इसका आंसर बताइए अगर आपका आता हो तो। तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू जिला में मंडल डैम है, जो कि बन रहा है अभी। अब पांचवा है क्वेश्चन, मंडल डैम झारखंड के कौन से नदी में डैम का निर्माण होने वाला है? आप देख सकते हैं नदी का नाम लिखा हुआ, उत्तर कोयल नदी, दक्षिण कोयल नदी, कोनार नदी, दामोदर नदी। तो इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोयल। अब छठा क्वेश्चन में आते हैं, मंडल डैम परियोजना का शिलान्यास कब हुआ? मतलब शिलान्यास मतलब उद्घाटन कब हुआ? चार तो ऑप्शन है देख सकते हैं, 5 जनवरी 2019 को, फिर दूसरा है 5 मार्च 2019 को, फिर 5 जनवरी 2019 को, फिर है चौथा में है 5 अप्रैल 2019 को। तो इतने सारे ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन बताएं क्या होगा। और इसका सही उत्तर है 5 जनवरी 2019 को हुआ था मंडल डैम का शिलान्यास। अब सातवां क्वेश्चन पे चलते हैं, मंडल डैम योजना से झारखंड की कितनी हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी? तो चार ऑप्शन पहले बता देता हूँ, देख सकते हैं 23,604, दूसरा है 19,604, तीसरा है 24,604, चौथा है 20,604। तो आंसर इसका सही होगा दूसरा 19,604। अब आठवां क्वेश्चन पे चलते हैं, मंडल डैम शिलान्यास के लिए मुख्य अतिथि कौन थे? तो पहला है अमित शाह, राजनाथ सिंह, फिर थर्ड रघुवर दास, चौथा नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। फिर नौवां है, मंडल डैम कितना करोड़ रुपए से बनेगा? तो इसका ऑप्शन है 2,252, फिर दूसरा ऑप्शन है 2,250, फिर तीसरा है 2,251, फिर चौथा है 2,253 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 2,250, दूसरा नंबर करोड़ पे ये मंडल डैम का
बनना है, इतना इस साल 2019 को नरेंद्र मोदी ये दिए हैं। और एक है लास्ट क्वेश्चन, 10वां नंबर, निम्नलिखित पाइपलाइन सिंचाई योजना में से कौन सा नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम के समय शिलान्यास किए थे? बोकारो नहर, कोनार नहर, तिलैया नहर, कनहर सोन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4वां नंबर, कनहर सोन पाइपलाइन सिंचाई योजना का अभी मंडल डैम के वक्त नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, मीन्स शिलान्यास किया था। फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स झारखंड का अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना नोटिफिकेशन वाला, जिसमें ए डबल एल लिखा होगा ऑल, तभी आपको मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। शुक्रिया देखने के लिए, फिर मिलते हैं।